गोपागंज मऊ प्राचीन राम जानकी मंदिर पोखरा पर दीपावली के दूसरे दिन छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। ही भक्तों ने बेदिया बनाने में जुट गए। मंदिर के पुजारी भी बेदिया बनाने के सहयोग में जुटे। मंदिर है प्राचीन पोखरा है उस जगह पे जहाँ पे दीपावली के बाद एक दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बेदिया बनाना शुरू हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जोरों में लोग छठ पूजा की तैयारी में जुटे हैं। आप देख सकते हैं यह बेदी जो है यहाँ के पे काफी जोरों में बनाया जा रहा है। चारों तरफ लोग जो है बेदिया बनाने में जुटे हुए हैं। हमारे क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता और टोनी जी राष्ट्रभक्त। ये छठ पर्व की तैयारी हो रही है। छठ त्योहार से कम से कम 5-6 दिन पूर्व ही शुरू हो आरंभ हो जाता है। ये दीपावली के बाद कितने दिन के बाद छठ होती है? 6 दिन बाद होती है। 6 दिन में रविवार और बनाना चालू कर दिए। अभी से वेदी बनाने का अर्थ की सभी लोगों को वेदी बनाना और भी काम करना होता है ना। क्या तो हम अपने अपने जगह को संरक्षित करके अपने और भी दूसरे काम में लग जाना है। नगर का पोखरा है यहाँ पे। पूरे नगर पूरे ब्लॉक के लोग आते हैं यहाँ पर छठ पर्व का त्योहार मनाते हैं। यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे छठ पूजा? कम से कम 2500 गांव से लोग यहाँ आते हैं छठ पूजा का त्योहार मनाने। तो बहुत काफी यहाँ भीड़ भाड़ बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ होती है। किसके द्वारा होता है ये? साफ सुथरा शिव परिवार कावरिया संघ के द्वारा इस यहाँ सारे व्यवस्था देखा जाता है। साफ नगर पंचायत के साथ चेयरमैन मैं हैं अरशद रियाज प्रतिनिधि। आशा है कि छठ पर्व को मनाने के लिए अच्छे से अच्छे यहाँ व्यवस्था देंगे।